वेलकम टू एसएससी में अगर आज 20 मार्च 2021 और 20 मार्च से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो पूरा वीडियो पर ध्यान से देखिएगा, लास्ट में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आंसर आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि भाई जैसा कि आप सभी को पता है हमारी पूरी टीम ने एक स्पेशल ई बुक को लॉन्च किया है जिसमें 1500 से ज़्यादा क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें साइंस के तो साइंस के इसमें 20 सेट दिए हुए हैं। जनरल अवेयरनेस की अगर हम लोग बात करें तो जनरल अवेयरनेस के इसमें 20 सेट दिए हुए हैं। जीएस वन लाइनर के सेट्स की बात करें तो जीएस वन लाइनर के 25 सेट हैं। साथ में मैं आप लोग को बता दूं कि भाई मैथ्स और रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस हैं तो मैथ्स और रीजनिंग के 110 और 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट साथ में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का इसमें कंपाइलेशन दिया हुआ है। ठीक है, ई बुक को बाय करने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है वहां से जाकर के आप लोग डायरेक्टली इसको बाय कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें इसके प्राइस की तो इसका प्राइस है 49 रुपीज़ जो कि बहुत ज़्यादा रीजनेबल बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कौन कौन से एग्जाम्स के लिए ये ई बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बता दूं कि भी आने वाले जो भी आपके वन डे एग्जाम्स हैं चाहे जो NTPC का एग्जाम चल रहा है वो चाहे ग्रुप डी का एग्जाम इसके बाद जो होगा वो या फिर MTS CHSL CGL कोई सा भी वन डे वन लाइनर एग्जाम है सभी एग्जाम्स के लिए ई बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ल्ड स्लीप डे निम्न में से कौन से दिन मनाया जाता है। तो भाई अगर मैं आप लोग को बताऊं करेक्ट आंसर तो मार्च महीने में तीसरे शुक्रवार को, मतलब मार्च महीने का जो तीसरा शुक्रवार आता है उस दिन मनाया जाता है। तो इस साल आया था 19 मार्च को। ठीक है, वर्ल्ड स्लीप डे 2021 का 19 मार्च को मनाया गया और मार्च महीने के तीसरे शुक्रवार को ये मनाया जाता है हर साल। ठीक है, अगर मैं आप लोग को बताऊं हर साल मार्च महीने में तीसरे शुक्रवार को जैसा कि मैंने आपको बताया, साथ में इसे पहली बार 2008 में मनाया गया था, इसके बाद हर साल मार्च महीने में ये मनाया जाने लगा है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य अगर मैं आप लोग को बताऊँ भैया तो इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को नींद और सेहत के बीच संबंध के प्रति जागरूक करना। ठीक है, और इस साल विश्व स्लीप डे का जो थीम रहा है वो क्या रहा है, रेगुलर स्लीप हेल्दी फ्यूचर। रेगुलर स्लीप हेल्दी फ्यूचर, जैसा कि आप सभी को पता भी है सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्लीपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप एक अच्छा रूटीन एक प्रॉपर वे में रूटीन को फॉलो करना चाहते हो तो एक दिन में ज़रूर से ज़रूर 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उन्हीं सब चीज़ों की अवेयरनेस के लिए ये दिन मनाया जाता है। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड, लेकिन उससे पहले आज की वीडियो के लाइक के टारगेट की हम लोग अगर बात करें तो आज की वीडियो के लाइक का टारगेट क्या है, आज की वीडियो के लाइक का टारगेट है 2500 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने का ट्राई करेंगे। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2020 के लिए SJA ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड से नवाजा गया। तो भाई करेक्ट आंसर मैं आपको बताऊँ, माइकल होल्डिंग इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। कहाँ के हैं, वेस्ट इंडीज़ के ये क्रिकेटर हैं और ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान के समर्थन के लिए SJA ब्रिटिश खेल पत्रकारिता 2020 पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ को चुना गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है, इसका करेक्ट आंसर है माइकल होल्डिंग। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड, अगला प्रश्न क्या कहता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो भाई करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, 15 मार्च इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 15 मार्च इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगर मैं आप लोग को बताऊँ इस अवसर पर उपभोक्ताओं को उनके कंज्यूमर राइट्स और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दिवस को मनाए जाने का जो उद्देश्य है वो है ग्राहकों को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचाना और उन्हें
जागरूक बनाना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 15 मार्च। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। अगला प्रश्न क्या कहता है, एमपी सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए किस राज्य से यात्री बस परिवहन बंद करने का फैसला किया। तो भाई करेक्ट आंसर है इसका महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। एमपी का मैप आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, मध्य प्रदेश की सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र यात्री बस परिवहन बंद करने का फैसला किया, ठीक है। साथ में मैं आप लोग को बता दूं, क्या दोनों राज्यों के बीच 21 मार्च से लेकर 31 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय बस सेवाओं पर अस्थायी रोक रहेगी। साथ में महाराष्ट्र में कोरोना का कहर बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ गया, ठीक है। और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 18 मार्च 2021 को शाम करीब 8 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक बताए तो 24 घंटे में 25,833 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है, महाराष्ट्र। और बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से फॉलो करिए, ठीक है। सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, इसीलिए अपना ध्यान अच्छे से रखिए। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने चुनाव में लगातार चौथी बार जीत को दर्ज किया। तो भाई करेक्ट आंसर मैं बता दूं, नीदरलैंड। सॉरी, नीदरलैंड इसका करेक्ट आंसर बन जाता है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, नीदरलैंड में प्रधानमंत्री कौन, मार्क रूटे, उन्होंने लगातार चौथी बार आम चुनावों में अपनी पार्टी को जीत दिला दी, ठीक है। लॉकडाउन के बीच 17 मार्च 2021 को नई संसद को चुनने के लिए वोट डाले गए थे और उन्होंने, रूटे की जो पार्टी है वो सबसे बड़े दल के तौर पर भी उभर रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है, इसका करेक्ट आंसर है नीदरलैंड्स। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। अगले प्रश्न की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो भाई 16 मार्च, ठीक है, 16 मार्च को मनाया जाता है नेशनल वैक्सीनेशन डे। वैक्सीनेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है। स्पेशली 2020-21 में जो जो चीज़ें वैक्सीनेशन से रिलेटेड हैं उनको अच्छे तरीके से फिंगर पे रट लेना है। चलिए अगर मैं इसके बारे में आप लोग को बताऊं, क्या चीज़, भारत में हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पहली बार 16 मार्च 1995 को मनाया गया था, ठीक है। साथ में मैं आप लोग को बता दूं, इस दिन भारत में साल 1995 में मूंग के जरिए पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है 16 मार्च। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। अगले प्रश्न की बात करें तो किस देश के वैज्ञानिकों ने बैकल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया। तो इसका करेक्ट आंसर है रूस। जी, करेक्ट आंसर क्या बन जाता है, इसका करेक्ट आंसर है रूस। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, जो रूस के वैज्ञानिक हैं उन्होंने हाल फिलहाल में बैकल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप को लगाया। अब यहाँ से एक और चीज़ आपको क्लियर करनी है कि भाई बैकल झील कौन से कंट्री में है। तो बैकल झील है रशिया में, रूस में ये झील पड़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर है रूस। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। सॉरी गाइस, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है मेरी, बट अभी पहले से बहुत ज़्यादा ठीक है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कमेंट में बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे, बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखाया था, उसके लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि भाई अभी फ़िलहाल पहले से बेटर है, थोड़ा सा कफ, थोड़ी सी, थोड़ा सा फीवर, थोड़ा सा कोल्ड, सब कुछ थोड़ा थोड़ा हो गया था, इसलिए। एनीवेज, क्वेश्चन पर आते हैं। अगर हम देखें क्वेश्चन क्या कहता है अगला प्रश्न, तो विश्व बैंक ने बांग्लादेश की मदद के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर को मंजूरी दी। तो भाई करेक्ट आंसर मैं आप लोग को बता दूँ, करेक्ट आंसर है 200 मिलियन डॉलर। 200 मिलियन डॉलर इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, विश्व बैंक ने बांग्लादेश की मदद के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर को मंजूरी दे दी, ठीक है। अगर हम लोग बताएं, जो हमारी कंट्री है इंडिया, ठीक है, इंडिया के बारे में आपको एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, इंडिया बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कंट्री है। हमारी कंट्री बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, चाहे बांग्लादेश की मदद हो,
चाहे भूटान की मदद हो, चाहे कोई से भी कंट्री की मदद हो, सबसे आगे खड़ी रहती है मदद करने के लिए। तो इसीलिए आप लोग को ये याद रखना है, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में जो हेल्पफुल कंट्री है वो इंडिया, इंडिया के बाद में जापान, थोड़ी थोड़ी ऐसे कंट्रीज है जो बहुत ज़्यादा पीसफुल टाइप की हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाता है $200 मिलियन। चलिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कल के क्विक रिविजन की, फटाफट से हम लोग एक मिनट के अंदर कल का क्विक रिविजन कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मालदीव के बीच खेल और युवा मामलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर अपनी स्वीकृति दे दी, ठीक है। साथ में मैं आप लोग को बता दूं भाई, RBI ने SBI पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। क्यों लगाया ये हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए, पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या ने सोमालिया के साथ समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर बात करें, सिंगापुर ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा कर दी, साथ में डॉक्टर हर्षवर्धन जी कौन है, ठीक है, आपको बता देना है कमेंट बॉक्स में। साथ में उनको कहाँ का चेयरमैन बनाया, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का भी चेयरमैन बना दिया गया, ठीक है। तंजानिया के राष्ट्रपति कौन, जॉन मैगुफुली का 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो ये हमने कल के वीडियो को फटाफट से एक रिवीजन कर लिया। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कल के प्रश्न की, तो कल का प्रश्न था किस राज्य सरकार ने राज्य के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में सीब करथॉर्न के पौधों को लगाने का फैसला किया। तो भाई करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा था, मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज भी सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें आज के प्रश्न की, केंद्रीय रेल मंत्री ने सूचित किया कि भाई जम्मू कश्मीर में किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा सबसे ऊंचा रेल पुल अपने निर्माण के अंतिम चरण में है। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। और हाँ, वीडियो के लाइक का टारगेट अचीव करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो के लाइक के टारगेट की अगर हम लोग बात करें तो क्या है वीडियो के लाइक का टारगेट, 2500+ लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपने सभी दोस्तों को जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी बच्चे वीडियो का लाभ उठा पाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो भाई जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बगल में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर मिलते जाए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।